गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, जिसमें हम लोग जाना कि वनों को कितने भागों में बांटा गया है, उसका संरक्षण क्यों जरूरी है और उसमें जीवों में ह्रास के क्या कारण है, जीवों में कमी के या वन संसाधन में कमी के क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जाना। अब इसमें है क्यों ह्रास हो रहा है। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनका निवास स्थान आपको जंगलों में ही है, तो जैसे जैसे जंगल कटते गए उस प्राणी उस जीव की संख्या में कमी होती चली गई और वो धीरे धीरे समाप्त के कगार पर आ गए। कितनी भी प्रकार की हमारे यहाँ की पौधों की प्रजातियां हैं, जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, प्रकार है, वो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु के प्रकार है, पौधों की प्रजातियां है जो नष्ट हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है या समाप्त होने के कगार पर है। ये वनों के विनाश के कारण ही ये समस्या उत्पन्न हुई है। जैसे हिमालय क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, हिमालय के क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हिमालय यौ एक वृक्ष पाया जाता है जिसकी छालों से टैक्सोल नामक रसायन निकलता है, केमिकल निकलता है और उसी टैक्सोल केमिकल से कैंसर की दवा बनाई जाती है। तो ये देखने में लग रहा है कि जंगलीय जो पौधे हैं हिमालय यौ वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस पेड़ की छाल से उससे केमिकल से जब कैंसर की दवाई बनाई जा रही है तो वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। वैसे हमारे देश में लगभग 21,000 प्राणियों की उपजातियां हैं। हमारे देश में 81,000 उपजातियां हैं प्राणियों की और 47,000 आपको पादप की उपजातियां हैं, यानी पौधों की उपजातियां। 15,000 पौधों की उपजातियां जो है वो भारतीय मूल की हैं। तो ये देखने में लग रहा है कि हमारे यहाँ कितनी ज्यादा उपजातियां हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे संकटों के कारण, हमारे विकास के कारण, जंगलों को काटने के कारण ये समस्या उत्पन्न होती चली जा रही है। भारत में बहुत सारी लगभग 744 प्रजातियां आपको विलुप्त हो चुकी हैं। इसमें आपके किताब में लिखा गया है, एक इंडेक्स दिया हुआ है कि पेड़ पौधों की प्रजातियां कितनी विलुप्त हो चुकी हैं और कितनी विलुप्त होने के कगार पर हैं। मछलियां, अभयचर, सरीसृप, पक्षी और भी कितने प्रकार के जीव जंतु हैं जो या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो इन सारी चीजों का एक इंडेक्स दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इन जीवों का आखिर इन जीवों में कमी कैसे आ गई, क्या कारण था? तो पहला था प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण यानी कहने का मतलब है जिस जीव जंतु का रहने का प्राकृतिक आवास है उस आवास पर विकास के लिए लोगों का अतिक्रमण और उसी के कारण वो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। यानी मान लीजिए कि कोई चिड़िया है वो घोंसले पे ही पेड़ पर रहती है, उसके लिए वो पेड़ ही घोंसला बनाने का जगह है। अगर उस पेड़ को ही काट देंगे तो घोंसला नहीं बना पाएगी और घोंसला नहीं बना पाएगी तो उसका आवास खत्म हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो प्रजाति विलुप्त होती चली जाएगी। तो जो भी जीवों का प्राकृतिक निवास स्थान है उसमें अतिक्रमण करने से वो जीवों में कमी आई है। हमारे यहाँ हम लोग देखते हैं, पहले गिद्ध हम लोग के यहाँ दिखे जाते थे बहुत सारे मात्रा में, आज गिद्ध नहीं दिखे जाते हैं, उनकी प्रजातियां यहाँ से खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनका पर्यावरण जो था, उनके प्राकृतिक आवास जो वातावरण था वो यहाँ पर नहीं मिला। उसके बाद प्रदूषण की समस्या है, बढ़ते हुए जो प्रदूषण का प्रभाव है, जलवायु परिवर्तन है या आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये सारे चीजों हमारे पक्षियों को, हमारे जीव छोटे छोटे जीव जंतुओं पर काफी असर डालते हैं और इसके कारण भी आपको ये जीव जंतुओं में ह्रास होती चली गई, कमी होती चली गई और ये विलुप्त होते चले गए। उसके बाद है आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ यानी पैसे कमाने की दृष्टि से बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जिनको पकड़ के शिकारियों के द्वारा
बेच दिया जाता है आर्थिक लाभ कमाने के लिए, अत्यधिक पैसा कमाने के लिए। कभी आपने सुना होगा हिरण को पकड़ के हिरण का सिंह, कभी बारहसिंगा का सिंह, कभी किसी का, ऐसे पशु पक्षियों को खाने के लिए भी जंगली लोग, शिकारी लोग उसको मार के खाने लगे, या आर्थिक लाभ बेचने के दृष्टि से लोग पशुओं को पकड़कर, जीव जंतुओं को पकड़कर बेचने लगे, जिसके कारण उनकी प्रजातियां में कमी होती चली गई, संकट उत्पन्न होती चली गई। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसको जंगलों में जिसको काट कर तस्करी किया जाता, बेचा, अपने बीरप्पन का नाम सुना होगा, जंगलों में रहता था, वो चंदन की लकड़ी का तस्करी करता था, चंदन तस्कर उसका नाम ही था, बीरप्पन, चंदन की लकड़ियों का वो सप्लाई करता था बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में होता था। हमारे इस चीज को दूर करने के लिए इस पर पूरे विश्व का नजर गया है, पूरे विश्व की दृष्टि गई है, और हमारे देखे होंगे आप लोगों किताबों ने पढ़ा होगा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में, इतिहासों में, उपन्यासों में, जंगलों में रहने वाले जीव जंतु और जंगलों के बारे में, वनों के बारे में वहां पर आपको लिखा गया है, पढ़ा गया है, काफी रोचक तथ्य लिखी गई है, इसको जानकारी मिलती है जिससे लोगों को। तो आखिर हमारे जंगल संसाधन जो है, वन संसाधन वो जरूर महत्वपूर्ण है, तब तो उसमें से जानकारी लिखी हुई है हमारे पौराणिक कथाओं में, जिसको हमको सुन के जानकारी मिलती है। वर्तमान समय में जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी के समय में जीवों और पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी देश और पूरे विदेश स्तर पर भी कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत की जो संकट उत्पन्न पादप है यानी ऐसे पौधे जिन पर संकट उत्पन्न हो गया या कि वो विलुप्त हो जाएंगे या विलुप्त होने के कगार पर है, उनकी सूची बनाने का काम, उनकी सूची एक बनाई गई है, और उनकी सूची बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में आपको बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था 1970 में। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान अनुसंधान केंद्र, ये आपको दोनों को संयुक्त रूप से इसका सूची बनाने का काम किया था सबसे पहले 1970 में। और उनकी सूची जो पादपों की और जो पादपों की सूची बनाई गई जो विलुप्त होने के कारण है, उसको हम उस जिस पुस्तक में रखा गया, जिसमें उसका रिकॉर्ड रखा गया, जिस किताब में कॉपी में, उसको हम रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। रेड डाटा, रेड मतलब यानी समाप्ति के कार पर है, ये ठीक नहीं है, रेड का जानते हैं ना खतरा है, तो यानी इस तरह की प्रजातियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए उसको हम रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। डाटा मतलब उसका रिकॉर्ड रखना, और पुस्तक बुक, और जिस बुक में संकट उत्पन्न प्रजातियों के, जीव जंतुओं के और पादपों की सूची रखी गई है, उसे हम रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। तो ये आपका था आज का टॉपिक, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, धन्यवाद।